22 जुलानी यानी आज से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन जो कि पावन महीना माना जाता है और इसकी शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। बता दूं कि इस बार इस सावन में कुल 5 सोमवारी है। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने की एक अलग ये मांगी जाती है कि अगर सोमवार के दिन आप मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो इसका एक विशेष महत्व होता है। और आज सुबह से ही धनबाद कोलांचल की अगर हम बात करें तो तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम पॉलिटेक्निक के दानीनाथ शिव मंदिर में और यहाँ पर हम मंदिर के अंदर देख सकते हैं कि चलने तक की जगह नहीं, इतनी संख्या में श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, लड़कियां हो, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आराधना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने से उन्हें जो है वैसे ही मनोवांछित वर की जो है वो प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसी ही। तो कुछ जो श्रद्धालु हैं और पंडित जी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज वो मंदिर पहुँचे हैं, क्या मांगा और इस बार की सोमवारी में क्या कुछ विशेष है, क्या इस बार कुछ खास है। आइए हम पंडित जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि सावन की सोमवारी का क्या महत्व है और आज की पहली सोमवारी है। पंडित जी, क्या महत्व है सावन की सोमवारी? श्रावण का सोमवारी का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। उनमें से यहाँ तो इस दानीनाथ शिव मंदिर है, इनका महत्व बहुत अच्छा भी है। मनोकामना का जो मन में करके आता है उनको पूरा हो जाता है। कितने वर्ष पुराना? बहुत पुराना है। पहले था छोटा और उसके बाद ये करके बना है बड़ा। दानीनाथ का महत्व बहुत अच्छा भी है। महादेव को खुश करने के लिए भक्त कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं? बेलपत्र है, यह पीला फूल है, भांग है, धसुरा है, यही सबको प्रिय है। आज सावन की पहली सोमवारी है, क्या विशेष महत्व और क्या मांगा भगवान शिव से? बहुत कुछ भगवान से मांगे, जो सपना पूरा होना चाहिए बस। और क्या? कितने दूर से आती? मैं बस बगल से आती हूँ। इस मंदिर की क्या मांग? इस मंदिर की मान्यता जो यहाँ जो मांगते हैं वो पूरा होता है इस मंदिर से, और बहुत अच्छे से यहाँ पूजा होता है और जो भी मांगते हैं हर कुछ मिलता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ भीड़ होते हैं, अच्छे से भक्त आते हैं पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ से आइए, और क्या मांगा? VIP कॉलोनी से आए हैं, भगवान से यही मांगे कि सब खुशी खुशी रहे, सब फैमिली में सब खुशी रहे। ये सब सोमवारी में जो है फास्टिंग करने का काफ़ी महत्व होता है, उसके बारे में? हाँ, फास्टिंग करने से भगवान खुश होते हैं और सब सबकी मान्यता है कि फास्टिंग करने से भगवान को खुश कर सकते हैं हम लोग। इसलिए सोमवारी है। क्या मांगा आपने भगवान? भगवान से मांगा कि सुख शांति दे, अच्छा सा तरक्की सबका हो, देश बढ़िया चले और बस शांति बनाए रखे भगवान, बस। गारुड़ी। गारुड़ी से आई है, क्या मन्नत मांगी आपने? बस हमारे परिवार वाले खुश रहे। कहा जाता है कि भोले बाबा जो हैं वो काफी भोले होते हैं और सोमवारी में विशेष पूजा करने से जल्दी पसंद। हाँ, वो भोले होते हैं, उनको तो सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ा दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बताया कि इस मंदिर की एक विशेष मान्यता है, जो भी मांगा जाता है वो भोलेनाथ जो है उन्हें दे देते हैं। कहा जाता है कि जो महादेव है जिन्हें भोले बाबा कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी भोले होते हैं और मात्र एक लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालाँकि आज के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग पर जो है दूध, साथ ही साथ जो है शहद का घी से इनकी स्नान कराई जाती है, लेकिन श्रद्धालु मात्र अगर गंगा जल से एक लोटा जल से भी अगर महादेव को चढ़ा दे तो महादेव जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इस बार सावन को लेकर 5 सोमवारी है और भक्तों में एक विशेष आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ, शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ 4।